हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक है, वीडियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इससे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सबको जानना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन चीजों को जानने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के लिए आपको उन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो पर जाए, और उससे पहले आप पहले इसके नोट्स को, जो मेरे साइट पर फेस क्लासेस जो ऑनलाइन पर अवेलेबल है, तो इसके नोट्स को आप लेंगे। मैं बार बार वीडियो में हर एक वीडियो बोलता हूँ कि आपके पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स आपके पास है, जब आप नोट्स रखते हो और पढ़ लेते हो, फिर जब आप वीडियो पर आते हो तो आपको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। सो यू मस्ट हैव अ नोट्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी थ्रू द वीडियो, फाइन। तो चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सोचते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, थोड़ा सा इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जानने से पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा, एरिया वेक्टर। ये आप लोगों को कुछ नया चीज मिलेगा। एरिया वेक्टर क्या है? जनरली एरिया स्केलर क्वांटिटी है। जब हम कभी कभी मैथमेटिकली जब जाते हैं, स्पेशली फिजिक्स के थ्रू, तब हमें डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ता है। तो सोचते हैं कि ये क्या होता है, एक्चुअली कैसे एरिया का वेक्टर कुछ अलग सब फील आता है। मैं आपको बताता हूं। आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, तो इस बोर्ड का एरिया क्या होगा, कैसे निकालिएगा? इसका लेंथ इंटू इसका ब्रेथ, वैल्यू मिलेगी आपको। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसका अपना एक डायरेक्शन है बोर्ड का। अगर बोला जाए बोर्ड का, वो कुछ साइज बताता है कि ये हमारा साइज है, लेंथ बता देगा, ब्रेथ नहीं। आपको जब एरिया देखते हैं, उसके बाद जैसे इस सरफेस को आप देख रहे हैं, इसका जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, याद है आपको? एल इंटू बी। इसके लिए सोचते हैं, अगर हम इस चीज को एक्स एक्सिस मान लें, आई कैप से रिप्रेजेंट करें, और ब्रेथ को हम लोग वाई एक्सिस मान लें, इसे जे कैप से रिप्रेजेंट करें, तो जब इस कंडीशन में जब हमारा एरिया आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए कि ये 5 फीट की है, 5 मीटर है, 5i इंटू ये 2 मीटर है इंटू 2j। आप क्या देखते हैं, 10i इंटू जे किसके बराबर, के बराबर। यानी आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें तीसरा जो होता है वो हमें मिलता है। ये x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस था, ये हमें क्या मिल जाएगा, जेड। इसका भी डायरेक्शन मान लीजिए, जैसे ये देखिए, ये हमारा सिलेंडर है, इसका जो एरिया है वो इस तरफ, इस वाले का एरिया इस तरफ। हर एक सरफेस पर, हर एक पॉइंट पर एरिया का डायरेक्शन चेंज होता है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी सरफेस का एरिया उस पॉइंट पर हमेशा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। जैसे ये है, इसका एरिया किधर है, हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इसका डायरेक्शन हो गया। इधर इसका एरिया क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया। That's the area vector. ये एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया। एरिया वेक्टर क्या होता है कि उसका एक नॉर्मल, एरिया वेक्टर हमेशा क्या करते हैं, नॉर्मल में जिस सरफेस होता है उसके हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं, फाइन। अब देखते हैं एरिया वेक्टर के बारे में, चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। अगर मैं एक बाय डेफिनेशन जाऊं, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोगों ने 3 सरफेस को कंसीडर किया, देख रहे हैं, 3 सरफेस बना दी, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें जो फील्ड लाइन है, कितनी फील्ड लाइन इससे आपके पास हो रही है, देखिए तो 1 2 3 4, ठीक, इससे 1 2 3 4 5 और 6, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा होता। तो किसी सरफेस के लिए, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा किसी सरफेस के लिए कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सरफेस, यू मस्ट हैव टू राइट इट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सरफेस इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज लाइन,
दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रिज लाइन पासिस थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली, एक वर्ड मैंने यूज किया नॉर्मली, देखता हूं ये सरफेस आप लोगों ने देख लिया, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं सरफेस के कंफिग्रेशन। अब देखिए तो इसमें ये सरफेस है, सरफेस का डायरेक्शन क्या, जैसे ये सरफेस है इसका डायरेक्शन इधर से देखे तो इस तरफ, इधर से देखे तो इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यू आ रही है तो सरफेस पे क्या कर रही है, वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है। ध्यान रखिए न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर सरफेस यू है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यू है, इस कंडीशन में इसका डायरेक्शन ये हो गया एरिया का, इसका डायरेक्शन ये हो गया, एक भी फील्ड लाइन इससे होकर इसके नॉर्मली पास नहीं हो रही है, यानी कि मान लीजिए अगर ये सरफेस है हमारा, इसका एरिया इधर, एरिया वेक्टर हमारा इस तरफ है, तो हमें इसके डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, या तो हम फील्ड को इसके डायरेक्शन में नॉर्मली ले जाएंगे या फिर तो इसके नॉर्मल वाले को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर मान लीजिए एंगल थीटा है और एरिया हमारा इधर ए है, तो क्या हो जाएगा इधर ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, अगर डेफिनेशन लिखना आता है सिंपल सी बात है, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ सरफेस, फॉर अ सरफेस फॉर अ गिवन सरफेस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिस थ्रू दैट सरफेस नॉर्मली, ओके। फिर आप बोलोगे सर फील्ड लाइन तो कुछ होता नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन, तो ये हम लोग हमारा जो है देखने के लिए हम लोग बोल देंगे, जिसे देखकर बता सकते हैं इसका फ्लक्स ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब बात आती है कि इंटेंसिटी की, हमें पता नहीं है, हमें फील्ड लाइन हम देख नहीं सकते हैं, जब इंटेंसिटी की बात आती है तो सिंपल सी बात है फ्लक्स दो चीज पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर और दूसरा डिपेंड करता है इसके एरिया पर। आप देख रहे हैं कि फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है, आप पता कि सिर्फ फील्ड की इंटेंसिटी, इससे समझ में नहीं आ रहा है फील्ड की इंटेंसिटी क्या, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए क्या लगता है कहां की इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां पर ज्यादा गैंस इंटेंसिटी वहां की ज्यादा। मान लीजिए ये सेम एरिया ये है और यहां पर रख लिया, दोनों का एरिया सेम है, सेम सरफेस है, इसमें नहीं लग रहा है फील्ड लाइन ज्यादा इसमें क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर फ्लक्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी फ्लक्स, या फिर तो हम यही करते हैं कि यहां पर एरिया को थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है ना, उस कंडीशन आप देखिए तो आप क्या देखते हैं, इसमें एरिया तो छोटा किया, तो जब दोनों के लिए देखिए फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस सरफेस के लिए चाहिए इस सरफेस के, दोनों के लिए फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, दिख रहा है ना, लेकिन एरिया के डिफरेंट है, जिसके कारण फ्लक्स भी हमारा डिफरेंट हो गया। या आप यहां पर देखिए जब हमने सरफेस सेम लिया लेकिन फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग ले ली, इससे भी फ्लक्स पर इफेक्ट पड़ गया, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, योर एरिया पर, एक्टिव फील्ड इसके और एरिया पर। तो चलिए हम लोग इस तरफ देखते हैं, हम इसके थ्रू जाते हैं, तो इस कंडीशन जो फ्लक्स मिला हमें वो क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा, ई पर डिपेंड कर रहा है और ए कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है ना, इसमें लिखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, ए, ए नहीं, ए कॉस थीटा, दोनों नॉर्मल लेंगे हम लोग, जब भी लेंगे एरिया को सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के नॉर्मल लेंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग ए कॉस थीटा कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को मिला के क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर हम स्मॉल सरफेस को कंसीडर करें, क्योंकि जानते हैं हम लोग सिंपली इतना मैथमेटिक्स आपको इजी नहीं पड़ेगा ट्वेल्थ में, है ना, जब हम 8-9 की बात होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, यहां पर आपको सरफेस यूनिफॉर्म हो या क्या कहते हैं कि अलग अलग शेप में मिल सकता है, कहीं सिलेंडर मिल सकता है, कहीं स्फेयर मिल सकता है, तो वहां पर तो वेल, तो जानते तो अगर यूनिफॉर्म सर्फेस ऐसा कुछ मिल जाता है तो उस कंडीशन में तो आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन का करने के लिए वी मस्ट हैव टू नो द स्मॉल एरिया फर्स्ट, स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे, स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरिया अगर स्मॉल कर देते हैं या सिंपली आप पहले यहां सोचिए फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि अगर एरिया स्मॉल हो गया तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन टू डी एस, ये देख लो डीएस को ध्यान देखा ना, डी एस cos theta, तो d phi is equal to what, e dot ds, अगर आपको इंटीग्रेट कर दे आपको तो d phi is equal to e dot ds,
सॉरी डी फाइव डिग्री के हमारा क्या गया यहाँ पर फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, तो इससे भी एक डेफिनेशन आपका बन जाएगा। पहला डेफिनेशन क्या था, इट इज द नंबर ऑफ फ्रिंज लाइन पासेस थ्रू द सर्फेस नॉर्मली, और यहां पर हो गया इट इज द सर्फेस इंटीग्रल, एरिया है ना यहां पर, इट इज द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर समझिएगा ध्यान से, फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ गिवन सर्फेस इज द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट सर्फेस, ठीक है, ई डॉट डी एस। इस फॉर्मूले की हेल्प से जब आपको एक इंटीग्रेशन के यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, इतने एरिया के लिए निकालना है, उस कंडीशन में तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा, या तो सिंपली अगर आता है कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एरिया वगैरह दे रखा है, एंगल्स वगैरह मालूम है आपको, आप सिंपली इस चीज के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका डायमेंशन इसी के हेल्प से निकालिएगा, तो डायमेंशन आ जाएगा एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लोन देगा। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो जाता हूं, कि आपने इस टॉपिक को देख लिया दो तीन बार, अगर एक बार नहीं समझ दो तीन बार देखें और समझे, इसके नोट्स को देखें, नोट्स में क्या क्या, इसके बाद जस्ट हम लोग करने वाले हैं गॉसेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ये वीडियो में हमारा यहां तक ही था, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गॉसेस लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक उसके एप्लीकेशन को जरूर देखिएगा, और फिर मैं बोल रहा हूं कि उस किसी भी वीडियो को देखने से पहले आप उसके नोट्स को जरूर लें, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, या फिर तो जैसे आप सिर्फ देखते रहे तो फिल्म की तरह हो जाएगा, आया कुछ समझ में आया नहीं, इंटरटेनमेंट यहाँ है नहीं, समझ में आया नहीं तो आप बिल्कुल यूं ही कुछ नहीं था बता, इसलिए आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं इसी टॉपिक को मुझे समझना है, तब जाकर के आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ।